सुन ही नहीं रहे बात, हमारी बात सुनिए ना पहले, बात मत कीजिए। मैं गलत बात कहाँ कर रहा हूँ रसिया साहब? ये नहीं कि बात को, बिट्टा कभी गलत बात नहीं करता। आप चलते हैं ऐसे, बिट्टा कभी मर जाएगा, कट जाएगा अपने विचारों से। बिट्टा जी, 1984 रॉयट्स के जो सिख लोग थे उनको इंसाफ मिलने की प्रक्रिया अब शुरू हो पाई है इतने सालों बाद, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को भी इंसाफ मिलना चाहिए नए परिपेक्ष में? और यासिन मलिक, JKLF के जो उस वक्त मुखिया थे, बिट्टा कराटे और फारूक अब्दुल्ला भी जो JKLF का फाउंडर है वो, और फारूक अब्दुल्ला भी, फारूक अब्दुल्ला भी, ठीक है बिट्टा जी, जवाब संक्षेप में। एक मिनट बोले ना, पहले लाल कारपेट के जरिए यासिन मलिक सबका स्वागत किया जाता था, इसमें तो कोई शक नहीं। फाइव स्टार होटल में ठहराया जाता था, इसमें तो कोई शक नहीं। प्राइम मिनिस्टर से मिलते थे, मैंने फोटो देखी, इसमें तो कोई शक नहीं। अब मुझे ये बताइए, यासिन मलिक जलानी, एक मिनट बोलिए मत, जब आप आज आप देख रहे हैं आज वो कहाँ खड़े हैं, या तो जेल में बंद हैं, या उनको उनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे साफ मांगा जा रहा है, सर पैसे कहाँ से आए आपके पास? एक बात स्पष्ट मेरी सुन लीजिए, मैंने फैसला होने से एक दिन पहले कह दिया था, ऐसी को बहस कर रहा था, ठोक ठोक के कहा ये 370 तो नहीं 335 हटेगी, और तीसरे दिन ये फैसला आया। मेरा कोई सरकार में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और मेरा जो अगला अनुभव है, दिल्ली से बढ़िया, दिल्ली तो कुछ भी नहीं, कश्मीर सबसे बढ़िया होगा। नहीं नहीं बेटा साहब, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हाँ, सवाल मेरा बड़ा सीधा है, सवाल बड़ा सीधा है, गिलानी, यासिन मलिक और तीसरा नाम मैंने आपको लिया, बिट्टा कराटे, तीनों पर फिर से जेनोसाइड का केस चलना चाहिए, सीधा सवाल। अरे ये बड़ी छोटी बात कर रहे हैं उनके खिलाफ, ये छोटी बात मुझे बताइए। अरे नहीं, अरे कुछ बात तो सुनो, बात तो सुनो, अरे बात तो सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप सुन ही नहीं रहे बात, हमारी बात सुनिए ना पहले। अरे ये छोटी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात होगी। आपने कहा छोटी बात है, छोटी बात मैंने नहीं कहा, आपने कहा छोटी बात है, छोटी बात ये नहीं करा, सुन ही नहीं रहे। और जितने भी पुराने लोग कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, जो नहीं सुन रहे थे फिर एकदम थोड़ा बदल देंगे आप? नहीं, मैं थोड़ा थोड़ी बात, मेरी बात जो कहेंगे उस पर ये क्या लूंगा? गलत बात मत कीजिए, मैं गलत बात कहाँ कर रहा हूँ? रसिया साहब बात सुनिए, क्या थोड़ा हाथ नीचे कर लीजिए, बेहतर होगा। अरे आप जैसे कहेंगे मैं ऐसे बोलूंगा, और मैं जितना सब व्यू एंकरिंग करने में मेरे जैसे सब एंकर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। सुनिए चुरसिया साहब, ये नहीं कि बात को, बिट्टा कभी गलत बात नहीं करता। ये जो तीनों की बात की, हजारों हजारों और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जो NSG लेके घूमते हैं, महबूबा मुफ्ती और जितने भी है जिन्होंने आतंकवादियों की मदद की, इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, ये सब जेलों में जाएंगे, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। मेरे ये कहने का मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया, आप बात सुनी नहीं आपने। आप चलते हैं ऐसे, बिट्टा कभी मर जाएगा, कट जाएगा अपने विचारों से। पूछा था, मैं सीधा सवाल मैं जो आप कहेंगे मैं बोलूंगा, मैं उसको अपने तरीके से बोलूंगा। आप बोलिए ना अपने तरीके से, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, पत्रकार का काम सवाल पूछना होता है, क्या मेरा अधिकार सवाल पूछना है या नहीं आप बता दीजिए, मेरा अधिकार सवाल पूछना है या नहीं बता दीजिए। मेरी बात पूरी सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए, आप मेरा अधिकार सवाल पूछना है या नहीं ये बता दीजिए। पूछो, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पूरा तो सुनेंगे, पूछ रहा हूँ आपसे, पूछ रहा हूँ, फारूक अब्दुल्ला का भी नाम लो ना, महबूबा मुफ्ती का भी नाम लो ना, तीसरी बार यही सवाल, आतंकवादियों का चेक मारे, जिन्होंने आतंकवादी तैयार किए, जिन्होंने बंदूक पकड़ने वाले को अपने सीने पे लगाया, कराटे, यासिन मलिक और गिलानी जैसे लोग जिन्होंने जेनोसाइड किया, उन पर फिर से मुकदमा चलना चाहिए नहीं? वो तो तीन किनारे, हजारों में किनारा हूँ, तीनों को करके खत्म क्यों करना चाहते हैं आप? जो इनके सिपा सलार थे, बड़े पावरफुल थे, वो भी जेल में जाएंगे, रुक तो जाओ एक साल, कहाँ बैठे हैं आप? आप तीनों को अगर खत्म करना चाहते, बात मैं आगे बढ़ाता हूँ। दो चीज है यहाँ पे मसले, 370 हटना चाहिए या नहीं, उस पे एक राय हो सकती है। वो हट गया, वो तो हट गया, हट गया, वो हट गया करके कह रहे ना, हट गया, हट गया, हट गया। भारत माता की, भारत माता की। क्या आपको लगता है कि गुलाम नबी आजाद का कल का बयान और राहुल गांधी का आज का ट्वीट कांग्रेस के खत्म होने की शुरुआत है? देखिए, यही तो आत्महत्या पॉलिटिक्स है। अगर आप कश्मीर के लोगों का एक एक पर्सपेक्टिव, इन्होंने भाई ने कहा हमने बहुत कुर्बानियां दी,
कश्मीर में तो 20,000 लोग जो हिंदुस्तान का तिरंगा लहराते थे उन्होंने भी तो इस देश के लिए कुर्बानियां दी। मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि हमने कुर्बानियां दी, क्या कुर्बानियां दी जरा मुझे बताइए, क्या कुर्बानियां 20,000 जो मुझे बताओ, कश्मीरी इंडियन मेनस्ट्रीम लीडरशिप में, जब भी इंडियन लीडरशिप में कश्मीरी पंडित जो था जो क्या गलती की थी, हिंदुस्तान का झंडा ऐसे लहरा रहा था और आप कहते हैं कि हमने कुर्बानियां, कौन सी कुर्बानियां दी बताइए। 19 जनवरी की रात हर एक मस्जिद से करके सर सर एक एक करके आपके बाद भी आऊंगा। आज जब वहाँ सुरक्षा का बंदोबस्त है तो इनको तकलीफ हो रही है। मैं कह रहा हूँ अगर इसका आधा बंदोबस्त 2017 में भी था तो हम घर पे बैठे होते। आज तो सारे रो रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती घर में रो रही है, फारुखुल्ला घर में नजर बंद है, उस वक्त उनको रोना क्यों नहीं आया? हमने नहीं बोला। पहने गाड़ियों में ट्रकों में भाग गई, मस्जिद में हुआ ऐलान, मस्जिद में हुआ ऐलान कि कल आपके घरवालों को मार देंगे, आपके फादर को मार देंगे। मैं अभी आपको बोलूं, एम्बेसडर टैक्सी में भागना पड़ा, मैं छोटा था 21 साल का, मैंने ताला लगाया और आज तक वो ताला मैंने खोला नहीं, खोया तो हमने। अगर आप लोगों ने कहा अभी कि वहां आप लोगों ने कहा कि वहां के बच्चे भी मर गए, वो क्यों मर गए? क्योंकि उन्होंने कहा हमें आजादी चाहिए। किस चीज से आजादी चाहिए? जब यह हिंदुस्तान हमारा था, आजादी किस चीज से चाहिए? हम इसलिए मर गए क्योंकि हमने कहा भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमने भारत माता की जय। क्या जी बताइए, क्या 10,000 कश्मीरी पंडित कश्मीर में रह रहे हैं और क्या 19 जनवरी 1990 को जो हुआ उसको झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं सलमान भाई यहाँ पर? सुनो, कोई कश्मीरी पंडित वहाँ नहीं रह रहा है, सब बेचारे। सर गवर्नमेंट की रिपोर्ट देखिए ना आप, देखो भाई अनंतनाग में पंडित की कॉलोनी से वहाँ रह रहे हैं, एक मिनट में बात करो, सिख भी रह रहे हैं, ईसाई भी रह रहे हैं, मिशनरी स्कूल भी चल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मिशनरी स्कूल चल रहे, मेरी बात सुनिए, किसी ने मिशनरी स्कूल बंद नहीं। देखो बात तो सबसे बड़ी ये है, हमारे में सबसे बड़ी जो समस्या है, मैं सिख हूँ तो मैं सिख की बात करूंगा, हिंदू हो तो हिंदू की बात करूंगा, मुसलमान हो तो मुसलमान की बात करूंगा। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या, और ये मेरे भाई साहब इनको कहना चाहिए कि भैया जो वहां हुआ है वो गलत हुआ, 370 धारा हटी, हम उसको सलूट करते, काम खत्म करो। अपन क्यों इन चक्करों में पड़े, वो ये रह रहा है, वो नहीं रह रहा, नहीं रह रहा तो नहीं रह रहा, इनसे जा रहा किनको पता है क्या, वहां मेरी बहन से जा रहा किसी को पता है क्या, क्या मेरे से जा रहा, मैं भी जम्मू जाता हूँ, परिवारों को मिलता हूँ, हमसे दिल्ली में मिलते हैं, कहां से आगे दिल्ली में इतने सारे, वहां से निकाले तभी आए, वहां से निकाले तभी जम्मू में आए। आप ये चीजें जितनी देर तक हम समाप्त नहीं करेंगे कि हम सबसे पहले प्रथम राष्ट्र, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, उतनी देर तक कुछ होने वाला नहीं। मेरे से पूछो मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, मैं बाद में सीखूं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, अगर अफजल है तो अफजल के लिए सारे खड़े हो जाएंगे, मेमन है तो मेमन के लिए सारे खड़े हो जाएंगे। अरे कोई इन बेचारे बेसहारों के लिए भी कोई हमारा मुसलमान भाई हमारी तरह कुछ सिखों की तरह आके खड़ा होगा? अगर खड़ा होगा तो तभी तो लोग हमारे पे विश्वास करेंगे, हम अपना विश्वास नहीं जमा पाते, हमें तो वंदे मातरम कहने में तकलीफ होती है, हमें तो तिरंगा झंडा उठाने में तकलीफ होती है। ठीक है, मैं सलमान भाई मैं जल्दी बात कर रहा हूँ, एक आखिरी बात बेटा जी, मेरी एक बात सुनिए, अभी मेरी एक बात सुनिए, उनका बिना पूछे आप कैसे कोई फैसला ले सकते हैं? एक मिनट बेटा जी, एक लाइन एक लाइन मुझे कंक्लूड करना है। आपने स्टेट और छूट छीन लिया हमसे, रफिया साहब मेरी बात, महबूबा मुफ्ती की मुबारक है, अगर आएंगे तो हम तो चाहते हैं, एक मिनट भाई सब मिलके रहें। भाई साहब मैं जवाब देता हूं, महबूबा मुफ्ती की सरकार बीजेपी से बनी, लोग यही कहते हैं बीजेपी हिंदू पार्टी की सरकार, चर्चा तो यही करते हैं ना वहां के कश्मीरी लोग। हमने भी विरोध किया, हमने कहा चलो मिलजुल के, पंजाब में भी ऐसा हुआ, मिलजुल के बरनाला की सरकार बनी, अमन शांति आया, कांग्रेस से मिलके बनी, कांग्रेस से बनी, हो सकता है कि मिलजुल के ये हालात ठीक हो जाए। नहीं हुए जनाब तो क्या करती बीजेपी, क्या करता नरेंद्र मोदी, नई गोलियां चलनी हटी, नई पत्थरबाजी हटी। पाकिस्तान को हम जवाब दे सकते हैं, 12 प्लेन घुस करके ठोक के जवाब देते हैं, 40 जवान शहीद होते हैं, 12 प्लेन जाते हैं, 18 जवान शहीद होते हैं, 40 मार के उनके कैंप में आते हैं। अपने कश्मीर के अंदर हम ये नहीं कर सकते क्या? आप ये कह रहे हैं कि वहां बंद है सब लोग, हम भी बंद थे जनाब, सामने हरमंदर साहब 200 गज की दूरी में हमारी हवेली थी अंदर, हमने इनकी पीड़ा नहीं है। सवाल है कि ये
पंगा सारी जिंदगी के लिए खत्म हो जाए, उसके लिए दस दिन हमें अंदर काटने पड़ जाए, क्या फर्क पड़ता है कौन हिंदू कौन मुसलमान कौन सिख कौन ईसाई, हम तो जा रहे हैं। हम अवेल के सवाल लगती है। आप इस तरह के भाषा प्रयोग मत कीजिए मेरे वजीर आजम। नहीं, आई एम सॉरी, क्या उन्होंने किया? क्या आपको क्या पता किस बारे में? नेहरू का अपमान क्या बात हुई है? मैंने मोदी जी को उन्होंने बोला क्या सुन दो ले, सुनिए बोले क्या बोला मैंने, किसका रेफरेंस उन्होंने बोला, क्या बोला नेहरू के बारे में, किसका बोला उन्होंने? आप बताइए मेरे को जरा, पहले आप बताइए उन्होंने किस रेफरेंस अच्छी डिबेट हो रही है। ऐसे आपको इस तरह के बात वंदे मातरम के नारे लगाए सब कुछ नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, मुझे तैसिन अब इस तरह की बातें कर रहे हो, नारा लगाएंगे वंदे वंदे तिरंगा लहराएंगे लाल चौक पे 15 अगस्त को, बिल्कुल लहराएंगे। तैसिन मुझे अब बताइए, हम इस कार्यक्रम को यही विराम देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय।